कर्म बंधन रूप नहीं है। कोई भी कर्म, कितना भी बड़ा पाप का कर्म हो कि पुण्य का हो, आज तक कर्म किसी को बांधता ही नहीं, बांध सकता नहीं, कर्म में वो बांधने की क्षमता नहीं है। फिर जीव बंधन को क्यों प्राप्त होता है? कर्म बांधता नहीं, जीव का कर्तापन का जो भाव है यही कर्म से बांध देता है। कर्म अगर बांधने वाला होता तो कोई जीव कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि कर्म करना जीव का स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव है उसको कभी हटाया नहीं जा सकता, जैसे श्वास लेना रोका नहीं जा सकता, पानी का नीचे की तरफ बहना रोका नहीं जा सकता, कि सूर्य के ताप को रोका नहीं जा सकता। तो कर्म करना अगर आत्मा का स्वभाव होता तो आत्मा तो नित्य है, तो उसका कर्म करने का स्वभाव भी नित्य रहता, और जब नित्य रहता तो ये जीव कर्म से बंधा ही रहता, कभी मुक्त ही नहीं होता। इस बात को समझ लें कि आत्मा नित्य है, तो आत्मा का जो स्वभाव होगा वो भी नित्य होगा। तो आत्मा नित्य है और कर्म करना उसका स्वभाव होता, तो जब तक आत्मा रहेगी, जीवन रहेगा, वो कर्म करता रहेगा, और कर्म करेगा तो वो बंधन को होगा। तो आत्मा का स्वभाव कर्म करने का नहीं है, प्रकृति से सब कर्म होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, किंतु उसमें अहंकार विमूढ आत्मा, जिसको विवेक नहीं है, वो मूढ आदमी, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं भोगूंगा, मैंने भोगा, ऐसा मिथ्या अभिमान करता है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। तो कर्म प्रारंभ होता है मन से, फिर उससे उतर कर आता है वाणी में, और उससे फिर उतर कर आता है शरीर में। आत्मा तो कर्म करता ही नहीं, फल भोगता भी नहीं। तो आरंभ, कर्म का आरंभ मन से शुरू होता है, और मन से फिर वाणी में आ जाता है, और वाणी से फिर वो शरीर में आकर स्थूल रूप ले लेता है। पर जिसने मन के कारण को जान लिया, मन में ही कर्ता भाव जिसने नहीं लाया, फिर वाणी से भी कर्म हो जाए, शरीर से उसको कोई बंधन रूप दुख रूप नहीं होंगे। मन में वो कर्म आ गया और फिर शरीर में ना आए, वाणी में नहीं आए, तो भी कर्म बन जाएगा। शरीर से तुमने हानि नहीं कही, नहीं करी, मन से भी किसी का अच्छा बुरा सोच लिया, तो वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। शरीर से करो या मत करो, दान धर्म का विचार आ गया और कर नहीं पाए, तब भी पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा। और चोरी हत्या का विचार आया है कि नहीं, फिर भी तुम्हें पाप, तुम्हारे खाते में पाप लिखा जाएगा। तो कर्म में कर्तापना का जो भाव है, यही कर्म बनता है। तो कर्म वाणी में आया, न पहले मन में आया, और फिर वाणी में आ गया, और फिर शरीर में आ गया। अच्छा कर्म भी, बुरा कर्म भी। समझ लो किसी व्यक्ति को तुमने दूर से देखा, तुम्हारी उससे शत्रुता है, तो तुमने गाली देना शुरू कर दिया, दूर है और उसको तुझे मजा चखा दूंगा, तुझे क्या समझ रखा है मेरे को, ऐसे अपने आप ही बोल रहा है, और वो शत्रु समीप आ गया तो उसको गाली देना शुरू कर दिया, फिर और समीप आ गया तो उसको दो चार उसने घुसा थप्पड़ मार दिए। तो कर्म प्रारंभ हुआ है मन से, मन से फिर उतर आया वाणी में, अब शब्द में, और हाथ में आ गया। अब इसी प्रकार किसी प्रेमी को दूर से देखा, तुम्हारे मन में उसके लिए अच्छे शब्द बन गए कि बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, तुम्हारी बहुत याद
सता रही है, अब तुम जल्दी यहाँ से जा नहीं सकोगे। और पास में आ गए तो अरे बहन तुम्हारी याद कर रहे थे, अब तुम्हारे बिना भी क्या जीना, ऐसे करके और पास में आ गए तो गले से लगा लिया। तो कर्म शुरू होता है मन से, उसको मत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रति आंखें खोल कर बैठो। तो इस तरह से मन को ही संभाल लो तो फिर वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा कुछ भी होगा तो वो कर्म बंधन रूप नहीं होगा। आगे, प्रकृति द्वारा कर्म किए जाने पर भी अज्ञानी अपना किया किया मानने से बंधन को प्राप्त होता है। किस लिए बंधन को प्राप्त होता है? अज्ञानी मैंने किया ऐसा कर्तापन का अभिमान करता है, इसलिए वो अज्ञानी बनता है। कर्म ज्ञानी के द्वारा भी होते हैं, भोग ज्ञानी के द्वारा भी होते हैं, लेकिन उनको वो कर्म भोग बंधन रूप नहीं होते हैं। कितना बड़ा प्रमाण है महाभारत का युद्ध, कितना बड़ा प्रमाण है लंका पर विजय पाना, वहाँ रावण को मारना, राम को, राम गए और उस रावण उसके बेटे को मारा, तो ये सब हुआ, लेकिन किसी के खाते में पाप नहीं चढ़ा, न राम के खाते में अकाउंट में कि कृष्ण के, क्योंकि उनमें कर्तापन का भाव नहीं था। और यही अर्जुन को सिखाया, तस्मा सर्वेशु कालेशु माम मनुस्मर युद्ध च, बस आत्म चिंतन भी करता रहा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, और हाथ कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, मुख खा रहा है, लेकिन मैं ना चल रहा हूँ, ना मैं देख रहा हूँ, मैं ना खा रहा हूँ, ना सुन रहा हूँ, ये सब देह संघात से हो रहा है, ऐसा वो विचार करता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण देहाभिमान एवं कर्तृत्वाभिमान से मोहित हो गया है, वह अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मिथ्या अभिमान करता हुआ बंधन को प्राप्त होता है। जिसने अपने को देह से पृथक मैं चैतन्य आत्मा हूँ ऐसा विवेक नहीं जगाया है और देह को साथ में तादात्म्य कर लिया है, प्राण के साथ में तादात्म्य कर लिया है, इंद्रियों के साथ में तादात्म्य कर लिया है, मन के साथ में तादात्म्य कर लिया है, इसीलिए वह बंधन को प्राप्त होता है। तो तादात्म्य कैसे किया जाता है उसे समझो। देह के साथ तादात्म्य हम लोग कैसे कर रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, ये हुआ है तादात्म्य, या मैं गोरा हूँ काला हूँ, या मैं जवान हूँ बालक हूँ बूढ़ा हूँ, ये देह के साथ में हमारा तादात्म्य हो गया। तो अब इस तादात्म्य को कैसे मिटाया जाए, मेरा भाव करके। तादात्म्य होता है मैं भाव करके, और तादात्म्य मिटाया जाता है मेरा भाव करके। तो अब मेरा भाव करो इस देह में कि मेरा देह बूढ़ा हो गया, मेरा देह जो है लंगड़ा हो गया, कि मेरा जो है शरीर निर्बल हो गया, तो यहाँ मेरा आ गया। पहले क्या, मैं बलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और फिर धीरे से उसका भाव हट गया। तो मैं भाव भी किया और फिर मेरा भाव भी करके बता दिया। तो जिसको मेरा कह दोगे वो कभी मैं हो नहीं सकता, जैसे कुत्ता मेरा, गाय मेरी, बिल्ली मेरी, साइकिल मेरी, घड़ी मेरी, घर मेरा, तो इन सब को हमने अपने से अलग करके देख लिया, और पहले अपने में अहंकार किया था कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं छोटा, मैं दुर्बल, मैं मोटा, और अब मेरापना
आ गया, तादात्म्य किया और तादात्म्य टूट गया। अब प्राण में तादात्म्य कैसे करोगे? प्राण में मैं जिंदा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हारे मन से करना जो करना हो, मेरे जीते जी ये मैं नहीं करूंगा, नहीं करने दूंगा। जैसे बाप कहता है मैं उस घर की लड़की नहीं लाऊंगा, या मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, मेरे जीते जी नहीं, मेरे मर जाने पर तुम कुछ भी करना, मेरे मर जाने पर। तो यहाँ प्राण के साथ तादात्म्य कर लिया, प्राण के होने को जीना मान लिया और प्राण के निकल जाने को मरना मान लिया, तादात्म्य। फिर ये तादात्म्य भी तोड़ता है क्या? अभी मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा, अभी मेरे प्राण निकले नहीं है। मेरे प्राण निकल क्यों नहीं जाते? मेरे प्राण बहुत तेज चल रहे हैं, तो मेरे प्राण आ गया, तो जहाँ मेरापना आ गया तादात्म्य टूट गया। तो प्राणों में भी तादात्म्य कर लिया और फिर मेरा कहकर तादात्म्य हमारा टूट भी गया। फिर इंद्रियों में तादात्म्य कर लेते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और फिर यही व्यक्ति तादात्म्य तोड़ता है। अब मेरी आंख से नहीं दिखता, अब मेरे कान से नहीं सुनाई पड़ता, अब मेरे दांतों से नहीं खाया जाता, तो यहां पर तादात्म्य भी टूट गया, मेरा पना आ गया। तो जिससे मेरा पना आ जाता है वो मैं कभी नहीं हो सकता हूं। छोटा सा गणित है, तो बच्चों वाला गणित है, जिसमें तादात्म्य तुमने तो दिया, जिससे मेरा पना दिखा दिया, वो तुम कैसे हो सकते हो? अरे मेरा जूता, तब उसमें तादात्म्य कर सकोगे? जब मेरा बोल दिया तो मेरा जूता मुझसे अलग है, मेरा शर्ट मुझसे अलग है। अब इसी प्रकार वृत्तियों में फिर अटक जाते हो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत कामी हूँ, मैं बहुत चंचल हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो मंदमति वाला हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, और फिर यही व्यक्ति तादात्म्य भी तोड़ता है। अब मेरा मन, अब मेरी बुद्धि, अब मेरा चित्त, अब मेरा अहंकार, ये अब मेरा पना आ गया, इन सब तक को मेरा मेरा कहते आए। अब एक तत्व ऐसा रह गया जिसको मेरा नहीं कहा जा सकता। प्राण को मेरा कह दोगे, शरीर को मेरा कह दोगे, तुम्हारे हार्ट, किडनी, लीवर, तुम्हारे जितने भी शरीर के अंदर के बाहर के अंग हैं, मेरा हाथ, मेरा नाखून, मेरे बाल, मेरा अंगली, मेरा सर, ये सब में सबको मेरा मेरा मेरा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको मेरा आज तक कोई बना नहीं सका, कह नहीं सका, बस वही मैं हूं, जिसको कोई मेरा कह नहीं सकते, मेरा बता नहीं सकते, बस वो चेतन तत्व मेरा स्वभाव है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और अपने को आत्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। तो यथार्थ दृष्टा, वास्तविक दृष्टा, यथार्थ दृष्टा वही है जो समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा, या आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंचभूतों के द्वारा, या आकाश के शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, इनके द्वारा, या वायु के प्रसारण, धावन, वलन, चलन, आकुचन के द्वारा, या तेज के अपना निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस के द्वारा, या जल के लार, स्वेद, मूत्र, रज, वीर्य, रक्त के द्वारा,
या पृथ्वी के केश, त्वचा, नाड़ी, मांस और हाड़ के द्वारा। तो इनके द्वारा कर्म होता हुआ देखता है ज्ञानी, पर मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं करता है, जबकि अज्ञानी इस देह प्रकृति के क्रियाओं को मैं कर रहा हूं ऐसा मिथ्या अभिमान करके बंधन को प्राप्त होता है। जनक जी कह रहे हैं, प्रारब्ध अनुसार से जो भी घटे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन कह रहे हैं? अष्टावक्र जी जनक जी को के माध्यम से हमको ये कह रहे हैं कि जो घटना हो, घट रही हो, तुम उसे स्वीकार कर लो, बल्कि ये जानो कि प्रसाद परमात्मा का मुझे दिया जा रहा है और मुझे इसे स्वीकार करना है, प्रकृति के प्रसाद को ग्रहण कर लो, ये भगवान की इसमें खुशी है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। दुख आए या सुख आए, भोगते समय साक्षी भाव मन में रहे किंतु मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं सुख भोग रहा हूँ, यह भाव न आने दो। दुख हो रहा है तो शरीर के अंदर मन के को हो रहा है और उसका उपचार भी चल रहा है, ट्रीटमेंट डॉक्टर से लिया जा रहा है, पर मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा उपचार नहीं हो रहा है, उपचार शरीर का हो रहा है, अंगों का हो रहा है, मैं तो केवल उसका साक्षी हूँ। जो होना है वह अवश्य होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, फिर मैं चिंता क्यों करूं? यह जिसका जो स्वभाव है, जो कर्म पहले से निश्चित हो चुका है, वह होने वाला होगा, कोई उसको हटा नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा, कोई उसको दिला भी नहीं सकता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश कर्माधीन, प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोगय छूटत नाही। जो निश्चित हो गया वो दशरथ को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, सीता को भी भोगना पड़ा, और भी इसी प्रकार जिन जिन के जैसे कर्म थे, वो कुंती हो कि द्रौपदी हो कि पांडव हो, सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी क्या करता है, साक्षी भाव में रहता है और अज्ञानी कर्ता भाव के कारण बंधन को पाता है। उपरोक्त बातें प्रारब्ध अनुसार सबको भोग प्राप्त होती है, उसमें साक्षी भाव रह देखते रहना, जो भी परिस्थिति प्राप्त हो उसे साक्षी भाव द्वारा स्वीकार करना चाहिए। अहंकार वश किया कोई भी शुभ शुभ कर्म अपना फल अवश्य देता है, जो भाग्य में न हो तो भगवान के द्वारा सुख भोग मिलने पर भी भाग्यहीन जीव स्वीकार नहीं कर सकेंगे। एक बार एक वृद्ध गरीब दंपति जंगल से लगा, ध्यान से सुनना, एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि व्यक्ति का भाग्य में नहीं है तो भगवान भी देंगे तब भी वो दुखी रहेगा, क्या समझा रहे हैं? एक बार एक वृद्ध गरीब दंपति जंगल से लकड़ी काटकर ले जा रहे थे, पार्वती को दया आई, वह भगवान शिव से कहा कि इतना कष्ट पा रहे हैं, आप इन दीन दुखियों पर कुछ कृपा करो। तब भगवान ने कहा, हे देवी, इनके भाग्य में सुख भोग नहीं है, तुम देख लो, मैं तुम्हारे कहने से इनके रास्ते में स्वर्ण मुद्राएं बिखेर देता हूँ, यदि एक मुद्रा भी उठा लेंगे तो सारे जीवन यह भोग सकेंगे। इधर दंपति सर पर लकड़ियों का भार लिए चलते हुए परस्पर बातें करते हैं कि हमको आंख है तो रास्ता देख, काटे गड्ढा खाई कुओं से बचकर निकल चलते हैं, पर जिनको आंख नहीं उन अंधे लोगों का कैसा कष्ट होगा, यह तो भगवान ही जानते हैं। दंपति के मार्ग में शंकर जी ने स्वर्ण मुद्राएं गिरा दी
और शंकर पार्वती एक तरफ छिप देख रहे हैं। इधर दंपत्ति ने कहा, हम आंख बंद कर थोड़ा चलकर देखते हैं तो हमें उन अंधे लोगों के जीवन का कष्ट मालूम पड़ सकेगा। यह सोच दोनों ने आंख बंद कर उस मार्ग में पड़े स्वर्ण मुद्राओं पर पैर रखते हुए निकल गए। यदि उनके भाग्य में सुख होता तो वे उन स्वर्ण मुद्राओं को उठा ले जाते तो सारे जीवन की गरीबी दूर हो जाती। उनकी दशा देख पार्वती की आंखों में आंसू निकल पड़े। इसलिए राम ने कहा, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन पर नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जगमाही, जगत में तो सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, पर जिसके भाग्य में नहीं है वह नहीं पा सकता है। जिस जमीन पर बैठा है भिखारी भीख मांग रहा है, उसी के नीचे धन गड़ा हुआ है और वो भीख मांग रहा है, या भिखारी के बर्तन में ही पारस पत्थर पड़ा है और वह पोटली में बंधा हुआ है और वो भीख मांग रहा है। पारस होते हुए भी ऐसे ही भाग्य जब नहीं है, भाग्य में नहीं, तो वह पा नहीं सकता। जो ज्ञानी पुरुष देह इंद्रिय प्राण व मन बुद्धि द्वारा कर्म होने पर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ इस प्रकार अकर्म को देखता है, एवं अज्ञानी द्वारा कर्म न करने के काल में भी मैं कुछ नहीं करता हूँ इस अकर्म अवस्था में भी कुछ नहीं करता हूँ इस अभिमान रूप कर्म को देखता है। तो ज्ञानी के द्वारा कर्म होने पर भी वो अकर्म को ही देखता है। अकर्म है ना, मैं तो देखता हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। कर्म हुआ फिर भी अपने को अकर्ता देखा। और अज्ञानी, मैं अब सो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, वो भी कर्म बन जाएगा। अब मैं मौन रहूँगा, ये भी कर्म बन जाएगा। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये भी कर्म बन जाएगा। तो अज्ञानी का अकर्म भी कर्म बन जाता है, ज्ञानी का कर्म भी अकर्म हो जाता है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष यथार्थदर्शी है, जो वह सब प्रकार से कर्म करके भी अकर्ता ही रहता है। कौन यथार्थ दृष्टि वाला है? सब कर्म करने पर भी, उसके द्वारा सब कर्म होने पर भी अपने को अकर्ता ही देखता है, क्योंकि वह जानता है कि समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के मन में यही निश्चय है कि नेव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो इंद्रियों के कर्म को अपना किया कर्म नहीं देखता, किंतु अज्ञानी इंद्रियों के कर्म को, दूसरे के कर्म को, पर के धर्म को अपना कर्म स्वधर्म ऐसा मान लेता है, तो बंधन को प्राप्त होता है। विषय ग्रहण काल में कर्ता क्रिया कर्म का भेद प्रतीति नहीं होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों में से किसी एक का जब अनुभव करता हूँ तो स्वभाव में ही अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ और यह विषय ग्रहण कर रहा हूँ इस प्रकार पर भाव नहीं रखता रहता है। ज्ञानी के मन में मैं भोग रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ये भाव नहीं, क्रिया हो जाती है, वो सहज स्वभाव में, साक्षी भाव में ही रहता है। स्वभाव में ही ग्रहण होते हैं। और अभी जो पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, यह भी स्वभाव में ही हो रहा है। जैसा कि अभी स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार कर्ता क्रिया कर्म का प्रभाव नहीं रहता है, कर्ता क्रिया कर्म का भेद प्रतीति नहीं होता। कर्ता कर्म क्रिया का भेद कब होगा? हम सुनने जा रहे हैं, प्रवचन सुनेंगे, ये सोचे
लेकिन जब सुनने बैठ गए तो वो भाव नहीं रहा, और फिर उठे के जब जाएंगे तो अब प्रवचन खत्म हो गए, अब हम जा रहे। तो जितने समय तक प्रवचन होते रहे उतने समय तक तुम्हारे को संसार का भाव नहीं रहा, इसी में मन डूबा रहा। यह ज्ञानी की अवस्था होती है। तो वह कर्ता कर्म क्रिया का कर्ता नहीं, वह साक्षी मात्र होता है। यदि तुम्हें अपनी निंदा स्तुति सुनकर हर्ष शोक हृदय में नहीं होता है तो समझना चाहिए कि माया से देह ध्यास से पार हो गए हो। और हर्ष शोक हृदय में आता है तो जानना चाहिए कि अभी मान्यता जगत अर्थात माया से पार नहीं हुआ है। अभी तुमको अपने आप से अपने आप की परीक्षा लेना चाहिए कि अगर तुम्हें क्रोध हो रहा है, अपमान लग रहा है, तो फिर सोचो कि अभी तुम माया से या देह भाव से ऊपर उठे नहीं हो। और जब तुम्हें हर्ष शोक न लगे, प्राप्ति में हर्ष या जाने में दुख, तो सोचना कि हम देह भाव से ऊपर उठ चुके हैं। अपने आप ही जानोगे कि मेरा प्रेम भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है, सब में आत्म भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है। बस तुम्हारी परीक्षा तुम कर लो। अगर तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, तो सोचो तुम धर्म में नहीं अधर्म में ही फंसे हो, अधर्म में हो। और अगर तुमको लगे कि अहंकार कम हो रहा है, लोभ कम हो रहा है, मेरे मन में मोह कम हो रहा है, क्रोध कम हो रहा है, तो सोचो मैं आत्मा की ओर बढ़ रहा हूँ। तो तुम अपनी स्थिति मनोदशा देखकर निर्णय कर सकते हो और उससे अपना बचाव फिर करो। जो देखता सुनता बोलता चलता ग्रहण त्याग करता है उसे कर्ता कहते हैं, और जो चीज देखी सुनी की जाती है उसे क्रिया कहते हैं, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को कर्म कहते हैं। कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, उसे समझा रहे हैं। जिस वक्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से किसी भी एक विषय का जब मैं अनुभव करता हूँ, तो विषय के अनुभव काल में यह अनुभव नहीं होता है कि मैं यह देख रहा हूँ, मैं यह सुन रहा हूँ, मैं यह खा रहा हूँ। यह कर्ता क्रिया कर्म का अनुभव नहीं होता है कि यह विषय है और मैं इनका अनुभव कर रहा हूँ। तुम दो एक थाली पे बैठे हो भोजन करने, आधा घंटा 15 मिनट पूरा भोजन हो जाता है, तब तक तुम्हें ये विचार नहीं आता कि मैं भोजन कर रहा हूँ और भोजन का मैं करता हूँ कि खाता हूँ। वो भोजन की क्रिया खत्म हो जाती तब पेट भर गया, अब उठो। बैठते समय लगता है हम भोजन करने बैठ रहे हैं, लेकिन भोजन हो जाता है, तुम जूस पी जाते हो कि तुम चाय पी जाते हो कि जो भी खा जाते हो, उस समय तुम्हारे मन में ये त्रिपुटी नहीं रहती है कि यह क्रिया, ये कर्म और मैं करता। इस प्रकार जो कर्म में अकर्म को देखता है यही यथार्थ दर्शी है। इस अवस्था को सहज समाधि कहते हैं। यदि देखना सुनना खाना सूंघना स्पर्श करना मल मूत्र त्याग जीवन निर्वाह संबंधी कर्म करने को छोड़ जो भगवत चिंतन है वह सर्वकालीन नहीं हो सकेगा। यह पर भाव का चिंतन है, यह अकर्म में कर्म को देखना है। फिर से पर भाव और क्या है स्वभाव? यदि देखना सुनना खाना सूंघना स्पर्श करना मल मूत्र त्याग जीवन निर्वाह संबंधी कर्म करने को छोड़ जो भगवत चिंतन है वह सर्वकालीन नहीं हो सकेगा। तो जो भगवान का चिंतन करते हैं एकांत में बैठ के कि मंदिर तीर्थ में जाके माला पूजा, वह परमात्मा चिंतन, नित्य का चिंतन, अखंड का चिंतन, आत्मा का चिंतन नहीं है, वो पर भाव का
चिंतन है, माया का ही चिंतन है। यह पर भाव का चिंतन है, यह अकर्म में कर्म को देखना है, यह एक कालिक एक देशिक है। यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है कि जब कर्म होते हुए भी वह कैसे स्वभाव में आत्मभाव में स्थित कहा जा सकेगा, किंतु यह बात अकाट्य है कि संसार के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्रिया के समय ठीक एंड टाइम पर थोड़ा भी आगे पीछे नहीं स्वभाव में होते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी कर्म के अंदर कर्म के समय पर वो अपने आत्मभाव में रहते हैं, हर एक शिक्षित अशिक्षित। उसके बाद में फिर उस क्रिया में वो अहंकार करके बंधन को प्राप्त होते हैं, पर उस खास खक एंड टाइम पे उसी टाइम पे उनके मन में मैं कर रहा हूँ, ये कर्म है, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, ये भोग है मैं भोगता, ये उस वक्त पर नहीं पर उसके आगे पीछे फिर ये भाव आता है। तो वो सारे लोगों का भोग इसी समाधि अवस्था में ही होता है। ज्ञानी अज्ञानी सब समाधिस्थ अवस्था में ही कर्म करते हैं, पर अज्ञानी उन कर्मों में कर्तापन का अभिमान करता है इसलिए बनता है, ज्ञानी उन कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं करता बल्कि दृष्टा साक्षी भाव रखता है कि मैंने जाना मैंने किया नहीं बल्कि मैंने जाना, और अज्ञानी क्या हुआ, मैंने ये किया। क्रिया के आगे पीछे तो सभी ज्ञानी अज्ञानी पर भाव में होते ही हैं कि यह सुना यह देखा यह खाया यह सूंघा, परंतु खाते खाते देखते देखते सूंघते सूंघते समय की यह विषय है और इसमें इसका अनुभव कर रहा हूँ पर भाव का नहीं होता है। जब कर्ता क्रिया कर्म तीनों का अभाव हो जाता है तब शेष में स्वभाव ही रह गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अमुक हूँ, यह पर भाव है, मैं हूँ यह स्वभाव है, मैं अमुक हूँ यानी मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, उड़िया हूँ, बंगाली हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, दुखी हूँ, ये सब आपका पर भाव हो गया और बस मैं हूँ, इसमें और कोई उपाधि नहीं जोड़ी, ये स्वभाव हो गया। मैं हूँ और मैं और हूँ के बीच में जो घुसा दिया बस वही तुम्हारे लिए फांसी बन जाती है, वही दुख बंधन हो जाता है। इसलिए मैं और हूँ ये हमारा शुद्ध स्वरूप है, इसके बीच में कोई उपाधि मत जोड़ो। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह सब पर भाव है। यह अकर्म में कर्म देखना है अर्थात आत्मा में कर्म होना मानना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ फिर भी ये सब मैं मान लेता हूँ, ये अकर्म में कर्म हुआ। स्वभाव में देह व मन संबंधी सभी अहंकारों का अभाव हो जाता है। जब तक तुम्हारी जीव भाव में निष्ठा है तब तक तुम्हारी साधना बंद नहीं होगी। जीव को जिंदा रखना है तो कर्म करो एवं जीव को मारना है तो कुछ मत करो। इसको फिर से सुन लो। जीव को जिंदा रखना है तो कर्म करो। जीव को जिंदा रखना है जीव भाव को तो फिर तुम्हारे कर्म हो रहे हैं अच्छे बुरे, जो ये कर्म करते रहो अच्छे भी तो भी तुम ये जीव भाव रहेगा, संसार बंधन नहीं छूटेगा। और जीव को मारना है तो कर्म करना बंद कर दो। एवं जीव को मारना है तो कुछ मत करो। कुछ भी मत करो तो वहाँ ब्रह्म ही रह जाएगा, जीव भाव खत्म हो जाएगा, और जहाँ तुम कर्म करोगे तो फिर कर्ता भाव से जीव रहेगा। न करने से जीव मरकर भगवान हो जाता है। बस इतना ही। तो हमें जीव भाव का दृष्टा भाव में बदलना है, कर्ता भाव को साक्षी भाव में बदलना है और कुछ करना नहीं है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवति, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आज इतना ही।